वन एंड यू वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी पनीर टिक्का की रेसिपी एंड फॉर मेकिंग दिस रेसिपी मैं यहाँ पर दो मेथड से इसको बनाने जा रही हूँ सबसे पहले मैं बनाऊंगी गैस पर एंड सेकेंड आई विल बी ग्रिलिंग इट इन माइक्रोवेव सो वो द मेथड्स में आपको डिफरेंसेज लास्ट में दिखेंगे यू कैन चूज द बेस्ट वन फॉर योर सेल्फ सो विदाउट फॉर अडू लेट्स गेट स्टार्टड विद द रेसिपी तो सबसे पहले एक बोल लेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप ऑफ कर्ड कोशिश करें कि दही आप आ, या तो टंगी हुई जो दही होती है वो यूज़ करें या बिल्कुल गाढ़ी वाली सो so, उसके साथ मैं डाल दूँगी टू टी स्पून जितना बेसन हाफ़ टी स्पून जितना क्रश्ड ब्लैक पेपर पाउडर और उसके साथ में यहाँ पर डालूंगी हाफ़ टी स्पून ऑफ़ भुना जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून काला नमक वन फोर टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून जितना ये तीखी वाली लाल मिर्च है एंड वन टी स्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर विच विल गिव अ नाइस कलर हाफ़ टी स्पून ऑफ़ कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड वन टी स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट अब ये तंदूरी चिकन मसाला है ऑप्शनल अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें हाफ़ टी स्पून ऑफ तंदूरी चिकन मसाला वन टी स्पून जितना लेमन जूस वन टी स्पून जितना कसूरी मेथी एंड ये वन एंड हाफ़ टी स्पून जितना रफली ये सूखा हुआ पुदीना है ये मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकती हूँ एंड मोस्टली गर्मियों की सीज़न में मैं पुदीने को सूखा के रख देती हूँ तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लास्टली इसमें डालेंगे टू टी स्पून जितना मस्टर्ड ऑयल तो आपको मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करना है तभी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा एंड इसको हम मिक्स कर लेंगे ना इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ सम रेड फूड कलर ऑल्सो बट कश्मीरी रेड चिली पाउडर से अच्छा कलर आ जाता है नेक्स्ट इसमें सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा नॉर्मल वाला एंड वापस इसे मिक्स कर लेंगे ना हेयर आई एम यूजिंग सम टमेटोज़ ये थोड़े कड़क वाले टमेटोज हैं और इसके अंदर की जो मैंने सीड्स हैं वो निकाल दिए हैं सम कैप्सिकम क्योंकि सीड्स से क्या होता है कि ये टमेटो सॉगी हो जाते हैं समियन अनियंस का जो शेल है उसको हम अलग अलग कर लेंगे और उसको भी हम डाल देंगे पहले हम सारी वेजीज मिला लेंगे क्योंकि पनीर साथ में डालेंगे तो पनीर के टूटने के चांसेस होते हैं अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स तो यहाँ पर पनीर को मैंने काफ़ी मोटा मोटा काटा हुआ है और पनीर को लास्ट में ही मिक्स कीजिएगा तो इसको हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मेक श्योर sure कि जो भी मसाला ये हमने बनाया मैरिनेशन वो अच्छे से कोट हो जाए सब पर एंड पनीर को आप चाहो तो हाथ से भी आप इसको मिक्स कर सकते हो सो विल जस्ट अ सॉफ्ट मसाज विद माय हैंड ताकि सारा मैरिनेशन इस पर कोट हो जाए अब इस मैरिनेशन को आप कोशिश करें कि दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख दें अगर नहीं तो एटलीस्ट एक घंटे के लिए ज़रूर रख दें एक घंटे बाद इसको तंदूरी इफ़ेक्ट देने के लिए तंदूरी टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर दो कोयले के पीसेस रखे हुए हैं और उस पर मैं डाल रही हूँ देसी घी और इसको कवर करके आधा घंटा छोड़ देंगे आफ्टर हाफ एन आवर इसमें अच्छे से जो कोयले का जो खुशबू है वो आ गया होगा तो उसके बाद हम इसको स्क्यूअर्स पे लगा लेंगे स्क्यूअर्स मैंने यहाँ पर पानी में भिगोकर कर एक घंटा पहले रख दिया था वो इसलिए क्योंकि जब हम ग्रिल करते हैं तो स्क्यूअर्स जलते हैं तो टू अवॉइड दैट इसको आप एक घंटा पहले ही आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा अब इसमें हम सारे वेजीज को लगाएंगे वेजीज आप किनारे लगाइएगा पनीर को बीच में लगाएगा ताकि पनीर टूटे नहीं और इसी तरीके से हम सारे स्टिक्स को सारे स्टिक्स को हम तैयार करके रख लेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसको गैस पर ग्रिल कर लेते हैं गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखिएगा एंड मेक श्योर कि जो फ्लेम है वो टिक्का को टच नहीं होना चाहिए आपको ऊपर करके इसको तब ग्रिल करना है आप चाहे तो इस तरीके का जो प्लायर होता है पकड़ होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रिलिंग इट तो ये देखिए ये एक हमारा टिक्का हो गया है ग्रिल इसी तरीके से बाकी के भी ग्रिल कर लेंगे मूविंग ऑन टू द माइक्रोवेव मेथड मैंने यहाँ पर एक हाई वायर स्टैंड लिया हुआ इसके ऊपर मैंने फॉइल लगा लिया आप चाहें तो मेटल प्लेट जो आती है आप वो भी लगा सकते हैं एंड इसको फिर हम माइक्रोवेव में रखेंगे एंड टाइमर लगाएंगे फिफ्टीन मिनट्स का तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रिल मोड को सिलेक्ट करूँगी आफ्टर दैट इसमें टाइमर लगा देंगे फिफ्टीन मिनट्स तो यहाँ पर ये यह मैंने टाइमर लगा दिया है और हर पाँच मिनट पर हमें इसको पलट लेना है हर पाँच मिनट पर आप माइक्रोवेव को आप ओपन करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे केस पंद्रह मिनट में ये ग्रिल नहीं हो रहा है तो आप पाँच मिनट के लिए और आप बढ़ा सकते हैं पाँच मिनट और ग्रिल लगा लीजिएगा वैसे ट्वेंटी मिनट्स में बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ये ग्रिल हो जाएगा तो इस तरीके से हल्का सा आप इसको टर्न कर दीजिएगा मेक श्योर टू वेयर द मिटन्स बिकॉज इट विल बी वेरी हॉट इनसाइड तो इस तरीके से हम इसको माइक्रोवेव में ग्रिल कर लेंगे तब ये माइक्रोवेव में भी ग्रिल होकर रेडी हो गया है तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं सबसे पहले ये मैं गैस वाला रख रही जो हमने गैस पर ग्रिल किया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर रखूँगी जो माइक्रोवेव वाला है दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं जो गैस वाला है उसमें वेजीज थोड़ी क्रंची रहती हैं और जो माइक्रोवेव वाला है इसमें भी वेजीज क्रंची रहेंगी लेकिन इसमें वेजीज भी पूरी तरीके से ग्रिल हो चुकी हैं गैस वाले में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कच्चापन टेस्ट आएगा वेजीज़ में लेकिन माइक्रोवेव वाले में बिल्कुल भी नहीं आएगा तो अब इसको मैं थोड़े से अनियन रिंग्स और लेमन वेजेस के साथ सर्व करूँगी दोनों मेथड्स में आपने डिफरेंसेस देखे हैं यू कैन चूज द बेस्ट वन जैसे कि मैंने आपको बताया था सो गाइज आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर यू आर मोस्ट वेलकम मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सी सीआर चिल्ड्रेन स्टे ब्लेस्ड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाई फ्रॉम मी